का हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अर्थात चुंबकीय सुक्राहिता, या इसे कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है बेटा, चुंबकीय सुक्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति। तो टुडेज टॉपिक इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है बेटा जी, तो देखते हैं क्या है आखिर ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो कल बेटा जी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 19 में आप लोगों को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि सब्सटेंसेस जो होते हैं उनमें तीन प्रकार के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिले मुख्य रूप से। वैसे तो पांच प्रकार के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें देखने को मिले थे, लेकिन मुख्य रूप से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो होते थे बेटा जी उनमें हमने तीन प्रकार के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखे थे। तो बेटा जी ये मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उसे हम मैग्नेटिक मूमेंट की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक मूमेंट चुंबकीय आघूर्ण के रूप में कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक मूमेंट के रूप में किसी सब्सटेंसेस में कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसे किसकी फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक मूमेंट अर्थात चुंबकीय आघूर्ण के रूप में याद करते हैं। अब बेटा जी देखा यह गया है जो मैग्नेटिक मूमेंट होता है चुंबकीय आघूर्ण जो होता है उसे हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसे हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बेटा जी मैग्नेटिक मूमेंट को फिर कैलकुलेट कैसे करें? तो मैग्नेटिक मूमेंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अर्थात चुंबकीय सुक्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति को कैलकुलेट करना होता है, को डिटरमाइन करना होता है। अब ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, या सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो रहा है कि होता क्या है, कैलकुलेट करेंगे बाद में कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती ही क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति होती ही क्या है। तो देखिए बेटा कोई सब्सटेंस है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, हम कह रहे हैं है, जो डायमैग्नेटिक थे वो तो मैग्नेटिक थे ही नहीं, केवल पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे हैं क्योंकि पैरा और फेरो दोनों एक ही भाई भाई हैं। ठीक है, भाई भाई हैं, पैरा जो थे वही फेरो कहलाए। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक होते हैं उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो उसके मैग्नेटिक मूमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो जरा, ये है, ये एक सब्सटेंस रख दिया जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अब यहां पे हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यहां पे हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कहां से, एच से। हम इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड है कोई चुंबकीय क्षेत्र तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब उसमें मैग्नेटाइजेशन होगा, वो हमने अप्लाई किया होगा। ठीक है, अब यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी ऐसे सब्सटेंस को रखते हैं जिसका चुंबकीय गुण होता है, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, तो बेटा जी क्या होगा, तो यह होगा कि यह भी क्या होगा, यह मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। यह क्या होगा, हो जाएगा मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, यानी कि चुंबकत्व चुंबकीय हो जाएगा, यह भी इसमें भी चुंबकीय गुण आ जाएगा क्योंकि ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें जनरेट हो जाएगा जब इसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, तो मतलब बेटा ससेप्टिबिलिटी जो वर्ड है, देखो तोड़ दो बेटा, बहुत सिंपल है, ससेप्टिबिलिटी। ये ससेप्टिबिलिटी का जो लास्ट सिलेबल है वो एबिलिटी से बना है, एबिलिटी, क्या एबिलिटी, योग्यता, और एबिलिटी कहते हैं बेटा कैपेसिटी को, कैपेसिटी। ठीक है, अब सस क्या है, सस का मतलब है यहां पे बेटा मैग्नेटाइज्ड कैपेसिटी, अर्थात किसी सब्सटेंस की मैग्नेटाइज्ड होने की कैपेसिटी को हम उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहेंगे। बिल्कुल सिंपल बेटा, क्योंकि हमने वर्ड में तोड़ दिया ससेप्टिबिलिटी से,
मतलब एबिलिटी, एबिलिटी मतलब कैपेसिटी, और सस को हमने तोड़ दिया, सस सेप को हमने मैग्नेटाइज्ड से, अर्थात द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू गेट मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, इन प्लेसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ के चुंबकीय होने का गुण, चुंबकीय होने का गुण उसकी चुंबकीय सुक्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है बेटा जी, समझ गए? ये तो आप समझ गए होंगे, कोई भी पदार्थ है वो हर पदार्थ बेटा जी अलग अलग मैग्नेटाइज होता है। ठीक है बेटा, जैसे आप बात करें लोहा, आप बात करें क्रोमियम, आप बात करें निकिल, आप बात करें मैग्नीज, कोई भी अगर पदार्थ अलग अलग हमने ले लिया है तो उसमें मैग्नेटाइज होने की प्रवृत्ति भी अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। ठीक है बेटा जी, अलग अलग तो होती है। तो हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को समझाया, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि नोट करना है। तो लिखिए बेटा ये, लिखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट अर्थात न्यू, मैग्नेटिक मूवमेंट चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण हमने बीएससी सेकंड ईयर में कैलकुलेट करना सिखाया था, ये जरा आपका फॉर्मूला था, देखें जरा प्रीवियस क्लास का भी कितना याद है। न्यू बराबर डायपोल मूवमेंट बराबर क्या होता था, रूट के अंदर एन, एन प्लस टू बी एम, ये फॉर्मूला था। चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता था एन, रूट के अंदर एन, एन बाय एन प्लस टू बी एम, मतलब एन क्या था यहां पे, यहां पर जो बच्चों एन था वो था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि चुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस फॉर्मूले में रख के हम किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन ये क्या था, ये तो थ्योरेटिकल था, ये तो थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट करें मैग्नेटिक मूवमेंट किसी भी सब्सटेंस का। तो बेटा जरूरत पड़ी हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, ये देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली जो म्यू है यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें, तो कैलकुलेट करने के लिए हमें उस सब्सटेंस की सबसे पहले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी। अब वो कैसे कैलकुलेट करते ये दिखाया है। ठीक है बेटा, तो लिख लीजिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, लिखो मैग्नेटिक मूवमेंट अर्थात म्यू ऑफ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, लिख दिया यही बात, किसी भी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण का मान प्रयोगों द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण अर्थात म्यू का मान निर्धारित करने के लिए वी फर्स्ट हमें पहले डिटरमाइन द वैल्यू, वी फर्स्ट डिटरमाइन हम क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसे कहते हैं साई, क्या काई, काई सी एच आई काई, ये है देखो रिप्रेजेंटेशन काई, एक्स जस्ट लाइक एक्स, जो छोटा एक्स होता था इसे कहते हैं काई। ठीक है, तो लिखा है बी फर्स्ट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई ऑफ द सब्सटेंस, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी चुंबकीय सुक्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी होती है। एंड देन, और तब दिस वैल्यू ऑफ साई सॉरी काई, एंड दिस वैल्यू ऑफ काई इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ म्यू, फिर क्या करते हैं, जो काई जो होता है बेटा उसका प्रयोग हम चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने में कर सकते हैं। ठीक है बेटा, रिलेट कर देंगे। अब लिखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक, क्योंकि डेफिनेशन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, तो लिखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज ए कैपेसिटी या इज इट्स कैपेसिटी टू गेट मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड।
अर्थात चुंबकीय सुक्राहिता किसी पदार्थ के चुंबकीय होने की प्रवृत्ति, सॉरी कितना जल्दी वो चुंबकत्व हो जाता है उसमें, कितनी जल्दी उसमें चुंबकत्व मैग्नेटाइज हो जाता है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो लिख लो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स कैपेसिटी टू गेट मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। उतार लीजिए बेटा, हमने लिख दिया, चलो यहां दोबारा लिख देते हैं, डजंट मैटर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, याद भी हो जाएगा, क्या है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स कैपेसिटी ऑफ इज इट्स कैपेसिटी ऑफ गेटिंग मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हो गया बेटा, ठीक है। अब लिख लीजिए, स्टार लगा के एक बात लिखिए बेटा, एक पॉइंट लिखिए, क्या लिखेंगे, क्या लिखो, व्हेन ए सब्सटेंस इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब किसी पदार्थ को बेटा चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तब जो अंतर आता है किस किस के मध्य, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अर्थात H एंड तथा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जिसे कहते हैं B, इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अर्थात सुन लीजिए, जब किसी सब्सटेंसेस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तथा उस पदार्थ में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो रहा है, यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों के अंतर को हमने एक इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट किया है। ये इक्वेशन होती है बी माइनस एच बराबर 4πI, बी माइनस एच बराबर 4πI, जहां बी क्या है बेटा, बी क्या है बच्चों, बी है इंड्यूस्ड या प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात जो चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ उस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद, तो वो चुंबकीय गुण या चुंबकीय फील्ड कहलाएगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करता किया है हमने बी से। अब ये एच क्या है, एच है बेटा जी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा 4πI तो क्या है, ये तो बेटा जी क्या है, एक स्टेबल वैल्यू है। आई क्या है, क्योंकि वेरिएबल तो आई है, तो आई क्या है, आई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस की चुंबकत्व या चुंबकीय होने की तीव्रता, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता है। ठीक है, आई ये एक इक्वेशन है जिसे इक्वेशन नंबर वन माना है। ठीक है बेटा जी, तो हमने क्या किया, हमने लिखा है बेटा, लिख लीजिए व्हेन ए सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अर्थात एच एंड इंड्यूस्ड या प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वी इज रिप्रेजेंटेड एज वी माइनस एच बराबर 4πI।
जहां बी बराबर इंड्यूस्ड या प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है और बेटा जी एच बराबर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आई बराबर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस है। अब देखते हैं बेटा जी इक्वेशन नंबर, अब इसे प्रूव करते हैं, ठीक है बेटा, अब मिटा देता हूं। अब देखो इक्वेशन सॉल्व करते जाएंगे, हमें क्या मिलने वाला है ये देखते हैं बेटा जी। अब देखिए आप, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा बेटा, बहुत इजी है। कोई भी पदार्थ है उसके मैग्नेटाइज होने की प्रवृत्ति को चुंबकीय सुक्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है, खत्म। ये इक्वेशन हमें मिली थी बी माइनस बेटा एच इक्वल टू फोर पाई आई, जहां हमने बता दिया बी बराबर इंड्यूस्ड या प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एच बराबर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और आई बराबर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ सब्सटेंस, खत्म। अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट मान ली हमने, लिखा है इक्वेशन फर्स्ट को बेटा जी एच से डिवाइड करने पर, अब इक्वेशन एक को एच से डिवाइड करो बेटा, डिवाइड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। अब पूरी इक्वेशन को एच से डिवाइड करना है, ना कि हमने ये बताया लेफ्ट साइड या राइट साइड, पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को एच से डिवाइड करने पर देखो क्या मिला। मिला बेसिकली हमने ये, हमें ये बी अपॉन एच माइनस एच अपॉन एच, यहां एक टर्म खा सकता था मैं बेटा, ठीक है, एस कैप कर सकता था, बल लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा क्योंकि बायोलॉजी वाले भी है बेटा, ध्यान रखा गया। अब बेटा यहां पे 4 पाई, ये तो एक टर्म है, 4 पाई आई इसके बटे में बी एच, इसके बटे में एच हो गया, इसके बटे में एच, इसके बटे में एच, ये तो है डिवाइड करने का मतलब, दिख गया ये किया है हमने। आओ बेटा सोचो आप, एच बटे एच, एच एस से कट गया, एच ही करना, एच एक बार कट गया, यानी कि बचा इधर बी अपॉन एच माइनस वन इजिकल टू बेटा जी फोर पाई आई। अब जो एच है बेटा जी, ये तो क्या है, वेरिएबल आई है, तो आई के भाग में एच को रखो, ठीक है बेटा, फोर पाई तो बदलने वाला है नहीं, तो इसलिए आई अपॉन एच कर दिया हमने, ठीक, आई अपॉन एच। अब देखें बेटा आप कि ये वन अगर हम इधर लेके जाए तो क्या होता है, वन यदि अगर हम इधर लेके जाए तो क्या होता है, तो ये होगा, ये जो एक है माइनस वन है, देखो बेटा इसे इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो बी अपॉन एच बराबर आ जाएगा वन प्लस का हो जाएगा, ये वाला वन प्लस का प्लस, ये तो प्लस में है क्योंकि ये तो इधर का इधर रहा, फोर पाई आई अपॉन एच। कोई जो बच्चे हैं बेचारे ये नहीं सोच रहे हो बेटा क्या, कि ये जो फोर पाई आई अपॉन एच जो है, इससे पहले प्लस क्यों लगा दिया, क्योंकि जब बेटा बराबर से कोई चीज लिखना स्टार्ट करते हैं वहां पे प्लस में अगर वो चीज है तो प्लस उससे पहले लगाते नहीं, क्योंकि इसका मतलब भी प्लस में ही है ये चीज। अब बेटा ये बराबर से इधर रही है आज भी, तो इधर ही है आज भी, ठीक है, तो इधर है तो प्लस में ही रहेगी। अच्छा ये चीज हम इधर लेके गए तो ये माइनस में थी तो प्लस में कर दी हमने, प्लस में, अब यहां पे भी प्लस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्टार्ट कर रहे थे बराबर से लिखना, ठीक है, तो प्लस है। अब बेटा जी जो बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच बराबर होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जहां बी अपॉन एच कहते हैं बेटा जी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, यानी कि चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकीय शीलता, चुंबकशीलता, बी अपॉन एच बराबर होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, जिसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम पी से। अच्छा ये हो गया, अब जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है उसमें इन वैक्यूम में जो होती है बेटा जी, तो वैक्यूम में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मान होता है वन, क्या होता है, वन होता है, ठीक है बेटा, ये बात नोट कर लेनी है, लेकिन लिखना कुछ नहीं है, ठीक है, वैक्यूम में क्या होता है उसका मान, उसकी वैल्यू वन होती है। अच्छा अब ये जो टर्म है आई अपॉन एच, ये है आई अपॉन एच रिप्रेजेंट, ये क्या करती है, रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट वॉल्यूम, रिप्रेजेंट मैग्नेटिक सबसे मैग रिप्रेजेंट मैग्नेटिक बेटा ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी रिप्रेजेंट मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इन इन काय में रिप्रेजेंट करती है बेटा, ये काय में रिप्रेजेंट करती है पर यूनिट वॉल्यूम, रिप्रेजेंट मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इन पर यूनिट वॉल्यूम। ये देखिए बेटा जो आई अपॉन एच है ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को, लेकिन काय में पर यूनिट वॉल्यूम में, काय में बेटा पर यूनिट वॉल्यूम में। और जब पर यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है उसे तो हम वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी बोल सकते हैं, उसे क्या बोल सकते हैं वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी बोल सकते हैं। तो बेटा इसे हम कह सकते हैं क्या, ये है वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी। और वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी के लिए हम केवर्ड क्या बेटा के या काई बी, काई बी से रिप्रेजेंट करते हैं काई बी, ठीक है बेटा। अर्थात आई अपॉन एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं के या काई वी लिख सकते हैं। तो देखो लिखो लिखो बेटा क्या लिख दिया बेटा जी हमने, हमने लिख दिया बी अपॉन एच, बी अपॉन एच बराबर वन प्लस फोर पाई के या बी अपॉन एच बराबर वन प्लस फोर पाई काई बी हो गया बेटा जी ये, या ये क्योंकि हमने बताया ये मैग्नेटिक जो वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी है, वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी है उसे के से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल या काई बी से, बी मतलब वॉल्यूम और काई आप जानते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये इक्वेशन मिल गई हमें, लेकिन बेटा सिंस इन केमिस्ट्री ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस इन केमिस्ट्री, सिंस इन केमिस्ट्री, लेकिन बेटा जो केमिस्ट्री है उसमें हम केमिस्ट्री जो डील करती है बेटा वो मास 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 में डील करती है वॉल्यूम में नहीं, केमिस्ट्री में हम जनरली मास मास को डील करते हैं ना कि वॉल्यूम को, ना कि वॉल्यूम को। जब मास में डील करेंगे तो यहां पे हमें कौन सी ससेप्टेबिलिटी ज्ञात करनी होगी, ग्राम ससेप्टेबिलिटी, ग्राम ससेप्टेबिलिटी या मास ससेप्टेबिलिटी, ठीक है ग्राम ससेप्टेबिलिटी या मास ससेप्टेबिलिटी। और ग्राम ससेप्टेबिलिटी या मास ससेप्टेबिलिटी ससेप्टेबिलिटी बराबर होता है बेटा जी क्या, वो बराबर होता है वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी घनत्व के, वो बराबर होता है यानी कि अब हम लिखेंगे काई एम है, काई एम बराबर होगा कौन सी ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी कौन सी वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी, और वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी को क्या कहते हैं हम के या क्या कहते हैं और काई भी डिवाइडेड बाय क्या डेंसिटी डी। ये इक्वेशन हो जाएगी या हम कह सकते हैं काई एम बराबर काई बी डिवाइडेड बाय डी, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो पहले लिख लेते हैं यहां तो बता दिया, उसके बाद सिंस से कोई दो लाइन लिख लीजिए फिर ये इक्वेशन प्राप्त करेंगे, इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगी कैसे बनी, लिख लीजिए लिखेंगे बेटा सिंस इन केमिस्ट्री, लिखो सिंस इन दिख रहा है सिंस इन केमिस्ट्री वी डील, सिंस इन केमिस्ट्री वी डील बी ऑफन लिख दो प्राय बी ऑफन ऑफन बी ऑफन डील विद, सिंस इन केमिस्ट्री बी ऑफन डील विद मास रेदर देन वॉल्यूम,
मतलब केमिस्ट्री में बेटा जी हम बात करें तो वॉल्यूम से ज्यादा आयतन से ज्यादा हम द्रव्यमान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? द्रव्यमान की। प्राय बात चल रही है जनरली, ऑफन, ऐसा नहीं है हर जगह। वॉल्यूम भी आता है केमिस्ट्री में, वॉल्यूम मास दोनों यूज होते हैं, लेकिन ज्यादा जो यूज करते हैं उसे मास का यूज करते हैं, ठीक है। सो वी एक्सप्रेस ससेप्टिबिलिटी एज मास ससेप्टिबिलिटी बड़ा लिख दो, एज मास ससेप्टिबिलिटी, और या कह सकते हैं हम ग्राम ससेप्टिबिलिटी। ये लाइन नोट कीजिए बेटा जल्दी। क्या? सिंस इन केमिस्ट्री वी ऑफन डील विद मास रेदर देन वॉल्यूम, सो वी एक्सप्रेस ससेप्टिबिलिटी एज मास ससेप्टिबिलिटी और ग्राम ससेप्टिबिलिटी, ठीक है बेटा जी। विच इज रिप्रेजेंटेड बाई फॉलोइंग इक्वेशन। हमने इक्वेशन बनवाई थी, क्या बताया था? जो मास ससेप्टिबिलिटी होती है यानी काई एम, वो बराबर होती है के डिवाइडेड बाई डी के, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी बटे घनत्व के, ठीक है। ये हो गया, अब ये नोट कर लीजिए फॉर्मूला बेटा। अब देखते हैं अब ये जो काई एम लिखा है ना बेटा, इसे ग्राम में रिप्रेजेंट ज्यादा करो, क्योंकि अभी मोलर ससेप्टिबिलिटी भी आने वाली है, तो यहां पे इसे ग्राम में रिप्रेजेंट करो, तो काई जी से रिप्रेजेंट करो, क्योंकि काई एम अभी और आने वाली है, ठीक है। अभी एक ससेप्टिबिलिटी और देखेंगे, ठीक है। अब लिखो क्या बेटा, इफ वी मल्टीप्लाई ग्राम ससेप्टिबिलिटी बाय द मॉलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस, वी गेट मोलर ससेप्टिबिलिटी। अब देख लीजिए, यदि हम ग्राम ससेप्टिबिलिटी को पदार्थ के मोलर मास से क्या कर दें, मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तब हमें एक नई प्रकार की ससेप्टिबिलिटी प्राप्त हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे मोलर ससेप्टिबिलिटी। तो मोलर ससेप्टिबिलिटी का मान हमें गॉय मेथड द्वारा प्राप्त होता है। तो एक्चुअली केमिस्ट्री में हम डायपोल मोमेंट म्यू कैलकुलेट करने के लिए उसकी मोलर ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा जी। हो गया, अब लिखो, इफ वी मल्टीप्लाई ग्राम ससेप्टिबिलिटी यानी काई जी किससे गुणा करें, विद मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के मोलर मास से गुणा करें, तब देन वी गेट मोलर ससेप्टिबिलिटी। तीन तरह की ससेप्टिबिलिटी प्राप्त कर ली, ठीक है बेटा। देन वी गेट मोलर ससेप्टिबिलिटी यानी कि काई एम हमें मिल जाता है, इसलिए हमने वहां पर एम रिमूव करवाया था, क्योंकि मोलर ससेप्टिबिलिटी जो भी तो आने वाली थी, इसलिए अगर यहाँ पे एम से रिप्रेजेंट कर देते तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाती, काई एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमें, क्योंकि इसका नाम मास ससेप्टिबिलिटी भी तो है, तो ग्राम ससेप्टिबिलिटी या मास ससेप्टिबिलिटी एक ही बात है, लेकिन यहाँ जी से रिप्रेजेंट करो ताकि अलग अलग दिखे, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, हमने क्या किया था, यानी कि मोलर ससेप्टिबिलिटी अर्थात कैसे मिली हमें,
आई एम बराबर यहां पे लिखे बेटा, ये जगह खाली है देखो, अर्थात हम कह सकते हैं मोलर ससेप्टिबिलिटी यानी कि काई एम बराबर होता है उसकी कौन सी ससेप्टिबिलिटी, ग्राम ससेप्टिबिलिटी इंटू मोलर मास, ग्राम ससेप्टिबिलिटी इंटू मोलर मास, ग्राम ससेप्टिबिलिटी को कहते हैं काई जी इंटू मोलर मास को एम से रिप्रेजेंट किया है बेटा, ये इक्वेशन प्राप्त हो गई हमें, काई एम बराबर काई जी इंटू एम, मोलर मास एम जहां क्या है मोलर मास, काई जी क्या है ग्राम ससेप्टिबिलिटी, काई एम क्या है मोलर ससेप्टिबिलिटी, ठीक है बेटा जी। अब लिखो एक लाइन और टॉपिक हो जाता है आपका फिनिश समाप्त, ठीक है बेटा। अब लिखेंगे क्या आप, अब लिखो एक सिंगल लाइन, आई होप बेटा जी ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा हम लिखेंगे क्या, वी कैन कैलकुलेट, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर ससेप्टिबिलिटी अर्थात काई एम, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर ससेप्टिबिलिटी यानी कि काई एम बाई गॉज मेथड यानी कि इसे हम गॉय की विधि द्वारा गॉज मेथड द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद बेटा जी।